नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपने चुनावी वादे में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। इसके अलावा किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त मिलेगी। जी, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव से पहले किया बड़ा ऐलान। इससे पहले समाजवादी पार्टी SP ने ट्वीट कर हादसे में मरने वाले साइकिल सवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की थी। पार्टी ने ट्वीट करके कहा था, साइकिल से चलने वालों के एक्सीडेंट में मौत होने पर SP सरकार 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। बताओ, नोटबंदी फेल हो गई कि नहीं हो गई? और उस समय भी हम लोगों ने कहा था, जब नोटबंदी हुई थी, कि रुपया नहीं काला सफेद होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और कभी कभी काम में, कारोबार में, और जब हम एक दूसरे के बीच में पैसे को इधर से उधर करते हैं, तो कब सफेद का काला हो जाए, काला से सफेद हो जाए, हमें पता ही नहीं लगता। इसलिए रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। इसलिए पुरानी बातें हम भूल कर 21 की अब 22 में हम लोग जाने जा रहे हैं, 22 में जा रहे हैं। इसलिए पहला संकल्प समाजवादी पार्टी का होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर, हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी। और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। आज 22 है तो केवल हमारा पहला संकल्प पत्र यही रहेगा, पहला संकल्प। और समाजवादियों के लिए तो कहा ही जाता है कि समाजवादी पार्टी के बारे में यही कहा जाता है कि इनकी कथनियों करने में कोई फर्क नहीं है। और जो भाजपाइयों के बारे में कहा जाता है कि भाजपाई जो कहेंगे वो झूठी कहेंगे। बताओ, सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है।